गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज डे 3 और सबसे पहले मैं ले रही हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक, जिसमें मैं ले रही हूँ चिया सीड वाटर और अभी हो रहे हैं 7:50। इसके बाद 8:10 के अराउंड मैंने अपनी फर्स्ट मील ली थी, जिसमें मैंने 500 आलमंड्स और थोड़े सी ब्लैक रेजन्स भी लिए थे। फिर मैंने अपने ब्रेकफास्ट में एक ऑमलेट लिया था, उसके साथ मैंने 1 ब्रेड टोस्ट लिया था विद ग्रीन चटनी अराउंड 9:30। फिर मेरा लंच उस दिन लेट हो गया था और मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी, इसलिए मैंने 2 मैंगो के स्लाइसेस लिए थे अराउंड 1:35। फिर मैंने अपना लंच लिया था, जिसमें मैंने पनीर भुर्जी की सब्जी ली थी विद रोटी दही एंड सैलेड अराउंड 2:10। फिर मैंने अपनी इवनिंग ड्रिंक बनाई थी, जिसमें मैंने बनाई थी आइस ग्रीन टी और इसके लिए मैंने 1 कप वाटर को बॉईल करके उसमें 1 टीस्पून के अप्रॉक्स ग्रीन टी डाल के इन्फ्यूज़ होने के लिए रख दी थी। यस, मैंने ग्रीन टी थोड़ी ज़्यादा डाली थी क्योंकि हम इसको डाइल्यूट करेंगे। फिर मैंने एक जार में 1 स्पून चिया सीड, 1/2 स्पून फेनल सीड को थोड़े से वाटर में डालकर थोड़ी देर के लिए सोक करके रख दिया था। जब भी हम चिया सीड यूज़ करते हैं तो हम उसको एक बार सोक करते वक्त अच्छे से मिक्स ज़रूर कर लेते हैं ताकि उसके लम्स ना बने। फिर मैंने इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि हमारी ग्रीन टी अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए और थोड़ी ठंडी भी हो जाए। फिर अप्रॉक्स 30 मिनट बाद मैंने अपने जार में थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर दिया था अराउंड 1/3 और फिर मैंने उसमें अपनी ग्रीन टी को स्ट्रेन करके डाल दिया था और मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा हनी भी ऐड किया था। फिर मैंने इसको और ठंडा करने के लिए थोड़े से आइस क्यूब डाल दिए थे। अगर आप चाहें तो आप ठंडा पानी या फिर घड़े का पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन आजकल गर्मी बहुत है तो ठंडा पीने का मन करता है, तो मैंने उसमें आइस क्यूब्स ऐड करी थी। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया था और इस जार को फुल कर लिया था। ये अप्रॉक्सीमेट 500 ml है। इसके बाद मैंने अपना सेकंड इवनिंग स्नैक लिया था और मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने मलाई सूजी के 2 टोस्ट खाए थे। इसके बाद मैंने अपना डिनर लिया था, जिसमें मैंने टिंडे की सब्जी, पनीर भुर्जी की सब्जी के साथ 1 रोटी ली थी और ये मैंने लिया था अराउंड 8:30। तो अब बात करते हैं वेट अपडेट की। डे 3 की मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक जब मैंने अपना वेट चेक किया था तो वो आया था 63.2 kg, जबकि डे 4 पे मॉर्निंग में मैंने अपना वेट चेक किया था तो वो आया था 62.8 kg। सो आई लूज 400 grams। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि मैं इन नंबर्स को सीरियसली नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरा वेट डेली फ्लक्चुएट करता रहता है। डे 3 पे मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं की थी, मैंने अपने एक्सरसाइज से उस दिन एक ब्रेक लिया था क्योंकि उस दिन मैंने अपनी COVID-19 की बूस्टर डोज लगवाई थी, तो मेरे को हाथ में थोड़ा सा पेन हो रहा था, साथ में थोड़ा सा फीवर भी था, इसीलिए मैंने रेस्ट करना ही बेस्ट समझा। तो उस दिन मेरी कैलरी बर्न रोज के डेली के काम में, अगर मैंने जितने टाइम वॉच पहनी हुई थी और मैंने जब रात को वो चेक करी तो वो आई थी अप्रॉक्सीमेट 46 कैलरी। और डे 3 पे मैंने अप्रॉक्सीमेट 9 ग्लासेस ऑफ प्लेन वाटर लिया था। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपना वाटर इनटेक भी बढ़ा देना चाहिए। मैं आजकल काफ़ी ड्रिंक्स की रेसिपी ट्राई कर रही हूँ क्योंकि गर्मियों में हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ ठंडा पीने का मन करता है। और अगर आप लोगों के पास भी हेल्दी या वेट लॉस से रिलेटेड कोई समर ड्रिंक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं उसको ट्राई ज़रूर करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी डे 1 और डे 2 वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।